हाय दोस्तों, मैं देवराज, आप सभी का मेरी एक न्यू वीडियो में स्वागत होता है। आज अपन कहने कोबल मून, तो ये अपना फोर्थ पार्ट है। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। और ये ट्रेडर आया होता है, इससे मैंने थोड़े से सैपलिंग खरीदे थे, ये सैपलिंग दे रहा है, तो इससे मैंने अपने बेस पर लगा दी और बेस बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वीडियो में एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। तो चलो बिना टाइम पास की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने बहुत सारे पोकेमोन पकड़े थे पर उनको इवॉल्व नहीं किया था, तो अब मैं उन जो भी पकड़े थे उन्हें लगभग मैंने मैक्स लेवल में कर लिया है, तो अब उनको इवॉल्व करने की बारी है। तो अब आज इवॉल्व करेंगे और ईवी पकड़ने वाले हैं और ईवी के अलग अलग वेरिएंट को अपन इवॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो सबसे पहले अब अपन ने इस पोकेमोन हंटर को अपन इवॉल्व करने वाले हैं। नॉर्मल से इस पर लिंक केबल मारना है और जिसे इवॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज ये इवॉल्व नहीं होता है। ऐसे ही लिंक केबल मारने पर यह कन्वर्ट हो जाएगा जिंगार में, आई डोंट नो कैसा नाम है, बट ये जिंगार में कन्वर्ट हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो यहाँ के मतलब पोकेमोन के लेजेंडरी पोकेमोन है उससे ये फाइट कर सकता है और रियली में बहुत ज़्यादा पावरफुल है अगर इसके सारे अटैक अनलॉक हो जाए तो। चलो आगे, अगर आप इस सीरीज़ में कंटिन्यू रहेंगे तो आपको देख भी लगेंगे कि अब ये कितना ज़्यादा पावरफुल है और इसका अपन लेजेंडरी पोकेमोन के साथ फाइट करवाने वाले। तो चलो अब नेक्स्ट अपने पोकेमोन को इवॉल्व करते हैं जो है अपना। और इलेक्ट्रोबज का मैंने सुना था यार, इसको कोई भी ये मतलब ये देंगे ना तो इसके हाथ में तो ये और फाइट करवाएंगे तो ये इवॉल्व होगा। लिंक केबल इसके हाथ में देने के बाद में और इससे फाइट करवाएंगे तो ये इवॉल्व होगा, पर मैंने ट्राई किया बट ये इवॉल्व नहीं हो रहा। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताना। तो अपना ये पिकाचू भी है ना, ये भी अपना इवॉल्व मांग रहा था तो ये पिकाचू में कन्वर्ट हो गया। नॉर्मल से आपको भी पता है कि पिकाचू कैसा दिखता है, पर अगर आपको इलेक्ट्रा बज का पता है कि ये कैसे इवॉल्व हुआ तो नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताना। और जो अपना नेक्स्ट पोकेमोन है वो है सीथर, जो आपने देखा होगा पिछले वीडियो मैंने इसको जंगल बायो में पकड़ा था। तो अब इसको इवॉल्व करने के लिए नॉर्मल साइज के ऊपर लिंक केबल मारेंगे और नॉर्मल ईजिली ये इवॉल्व हो जाएगा रेड कलर वाले में सीथर में और ये बन जाएगा अपना और ये सीजर में कन्वर्ट होगा। और आपने पोकेमोन कभी भी देखा हो तो उसमें सीजर पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी माना जाता है। तो ये देखो ये सीजर में कन्वर्ट हो चुका है, तो आगे मुझे पता नहीं ये इवॉल्व होगा या नहीं होगा। और मैंने एक वेन्यूशॉर भी पकड़ा था जिसको मैंने 63 लेवल प्लस में कर दिया है और रियली में बहुत ज़्यादा अच्छा और ये चार्मेंडर है ना, ये आगे इवॉल्व भी नहीं हो रहा ब्लैक कलर वाले में। तो अगर आपको पता तो यार नीचे बताना यार, मुझे मैंने पूरा सर्च कर लिया बट मुझे गूगल पे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिल रहा है कि चार्मेंडर को कैसे इवॉल्व करना है। तो फिलहाल आप मुझे नीचे बताना जरूर। और मैंने चार्मेंडर को 100 लेवल प्लस में कर दिया है। और अगर आपको मेरी ये 7 से 8 दिन की मेहनत अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करके जाना यार। तो चलो आप बिना टाइम पास के ईवी ढूंढो मिशन स्टार्ट कर लेते हैं। और अपने बेस के ऊपर देखो ट्री लगाने के बाद में कितना खतरनाक लग रहा है, रियली में मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो नीचे एक लाइक बटन है उसको लाइक को दबा के जाना। तो चलो अब थोड़ा सा अपना ईवी ढूंढो मिशन को स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि मेरे को 4 से 5 ईवी चाहिए होंगी। तो फिलहाल इनसे फाइट कर लेते हैं, अपने पिकाचू को पीचू से इनको फाइट करवा के देखते हैं कितना खतरनाक अपना पीचू। तो सॉरी ये पीचू नहीं है, राइचू है। तो ये 3rd लेवल पे इवॉल्व हो चुका है अपना पिकाचू। तो फिलहाल 1 शॉट किल कर रहा है अपना राइचू और रियली में 87 लेवल पे बहुत ज़्यादा ओपी हो चुका है अपना ये पिकाचू। तो चलो अब अपने ईवी ढूंढो मिशन को करते हैं। और ये देखो अपना दूध वाली, इस दूध वाली को भी मार के जाऊंगा। इसको देखना 1 शॉट किल करता है या नहीं करता है। तो 1 शॉट किल तो शायद नहीं कर पाएगा क्योंकि थोड़ी सी पावरफुल होती है, अदर पोकेमोन से ये थोड़ी सी ज़्यादा पावरफुल होती है। और पिकाचू 1 शॉट में नहीं मार पाया, 2 शॉट में मार दिया, वैसे इसको थंडर वेव देने वेव मार चुका है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं और अपनी ईवी ढूंढते हैं। मुझे 5 ईवी चाहिए तो इनको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो फिलहाल थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो मिल जाएगा। माइनक्राफ्ट की आपको एक खासियत बताता हूँ, जब कोई चीज़ चाहिए होती है ना, जब वो नहीं मिलती है और जब मेरे को वो चाहिए नहीं होगा ना, जब वो इधर से जाएगी इधर से मतलब अनलिमिटेड मिलेंगी वो चीज़ें, तो इसमें यही रूल है पता नहीं। अब देखना, अब मुझे आज ईवी नहीं मिलने वाली है, बहुत मुश्किल होने वाला है ईवी को ढूंढना। तो और वैसे नॉर्मली मैंने बहुत सारी ईवी देखी है जब मैंने नहीं पकड़ा इन्हें, तो फिलहाल चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं पास में ही बायोम में आया, तो यहाँ चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 12.5% यहाँ पे है कि अल्ट्रा रेयर कंडीशन में कि यहाँ पे ईवी स्पॉन होगी, बट ये नहीं है। ये ईवी जैसे ही दिखती है बट ये ईवी नहीं है। तो थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। तो फिलहाल मैं एक विलेज में आया था, वहाँ पे मुझे एक ग्रोलित, ये पता नहीं ग्रोलित नाम से एक पोकेमोन मिला था जब मैंने पहली बार देखा था, और एक टाइगर जैसा था। तो फिलहाल मैंने इसको कैप्चर करने की सोची, तो और मैंने इसको कैप्चर कर लिया और इसको इवॉल्व करूँगा मैं ऑफलाइन। इसको इवॉल्व करेंगे और इसका बड़ा मतलब इवॉल्व वर्जन देखेंगे। और मैं आपको इस विलेज में एक बहुत ही खतरनाक वाली चीज़ दिखाता हूँ। देखो कितने बड़े बड़े हिल हैं, देखो कितने बड़े पहाड़ हैं और रियली में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, देख सकते हो।
आपके सामने होगा और आप बताना जरूर कि आपको कैसा लगे हैं, देखो कितने सुंदर है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और आसपास देखते हैं को कोई और कोई पोकेमोन है या नहीं है। तो ये एक पोकेमोन मिला था मुझे और ये रियल में ये कॉपीकैट पोकेमोन है, जो मतलब अपन जो भी अटैक करेंगे ना सेम ही अपने ऊपर ये अटैक करेगा, मतलब इससे अपन अगले का सेम अटैक इससे करवा सकते हैं। तो ये एकदम कॉपी करता है, एकदम अगले पोकेमोन का सेम कॉपी कर सकता है। तो सामने की साइड यार एक पोकेमोन दिख रहा है, बट ये कैप्चर हो जाए तो ये कैप्चर होने का नाम नहीं ले रहा यार। ये कैच हो जाए तो मैं सामने की साइड वो पोकेमोन वो निकल जाएगा यार मेरे हाथ से। तो फिलहाल मैं इसको जल्दी से कैच करता हूँ, अगर ये नहीं हुआ तो मैं इसको मार के चला जाऊँगा, इतना कोई खास नहीं है। बट आसपास ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बट वो रियर पोकेमोन जो सामने की साइड है मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल इसको मार देता हूँ, इसको नहीं कैप्चर करना क्योंकि ये कैप्चर तो हो नहीं रहा है, बेफालतू के नखरे कर रहा है। तो सामने चलते हैं उस पोकेमोन को जल्दी से पकड़ लेते हैं क्योंकि वो रेयर पोकेमोन है और ये बहुत ही कम मिलते हैं, ये मिलते भी नहीं है यार, स्पॉन नहीं होते, बहुत ही रेयर कंडीशन में स्पॉन होते हैं। तो इसका नाम भी देख लेते हैं क्या नाम है, और इसका नाम है माचोके और इसको मैं कैप्चर करने वाला हूँ। फिलहाल मैं अपने पोकेमोन को चेंज करता हूँ और अपने वेनुसोर को बुलाता हूँ और वेनुसोर से इसको स्लिप पाउडर मार के इसको स्लिप में डालकर और फिर इसको कैप्चर कर लेंगे। तो वेनुसोर के पास अटैक ये इसको सुला सकता है, तो अपना स्लिप पाउडर इसके ऊपर मारते हैं और अब इसको कैप्चर कर लेते हैं, सो चुका है। तो फिलहाल अब ये एक ही बॉल में अपना ये आ जाएगा, अदरवाइज ये वेस्ट करेगा अपनी बॉल और वो पोकेमोन बेफालतू का था वो मिल जाएगा। वैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं वो, ये रेयर कंडीशन वाले निकल जाता है यार, फिर मिलता नहीं है। और ये फाइनली हो चुका है, ये वेनुसोर रियली में बहुत खतरनाक है और बहुत अच्छा पोकेमोन है पोकेमोन को पकड़ने के लिए। तो यार रास्ते में पोकेमोन मिल जाते हैं ना तो मैं अपना मिशन भूल जाता हूँ, मेरा मिशन था कि मेरे को ईवी पकड़ना था। तो फिलहाल छोड़ो मैं आ चुका हूँ, मेरे को रास्ते में दूसरा पोकेमोन मिल गया यार, अब क्या करूँ यार, इतने लेजेंडरी पोकेमोन मिलते हैं तो इनको छोड़ा भी नहीं जाता यार। फिलहाल इसको भी कैप्चर करते हैं, इसका मतलब मैंने फर्स्ट टाइम जो देखता हूँ ना उनको मैं कैप्चर करता हूँ। तो फिलहाल इनको कैच कर लेता हूँ मैं, इसको स्लिप पाउडर मार के इसको स्लिप तो करवा दिया है, बट ये कैच होगा या नहीं होगा वो इस पर डिपेंड करता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो जल्दी से इसको कैच करते हैं और फिर निकलते हैं अपनी ईवी को ढूंढने के लिए। तो ये यार कैच भी नहीं हो रहा, तो इस बॉल में कैच हुआ तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर इसको छोड़ के जाने वाला हूँ, इतना कोई खास भी नहीं है। वैसे मेरे को इनका अटैक में देखना पड़ेगा, ऑफलाइन इनकी सारी चीज़ें देखूँगा। तो फिलहाल इसको जल्दी से कैच करते हैं और फिर निकलता हूँ यहाँ से। और अभी तक मेरे को एक भी ईवी नहीं मिली और मैं इन पोकेमोन को कैच कर रहा हूँ कब से यार, मेरा मन ही नहीं मानता। मेरे को कोई भी नया पोकेमोन देखता हूँ तो वो मन करता है कि इसको मैं कैच कर लेता हूँ, इसको भी कैच कर लेता हूँ। तो फिलहाल एक और मिल गया, इसको भी कैच कर लेते हैं। इसका नाम है शिफ्ट्री, आई डोंट नो, ये ट्री का कुछ पोकेमोन है, ट्री टाइप है। तो इसको भी कैच करते हैं और फिर चलते हैं अपने ईवी को ढूंढने। फाइनली अब की बार ईवी ढूंढे चलेंगे, अब ज़्यादा अपने मिशन जो भी है अपना ईवी ढूंढो मिशन उस पर कंटिन्यू रखने वाले हैं। और मैं इस पोकेमोन को हल्के में ले रहा था और ये देखो मेरे पोकेमोन को अपने इन्वेंट्री में दोबारा से भेज रहा है, इन्वेंट्री मतलब बॉल में ये दोबारा से भेज रहा है, पता नहीं इसमें क्या पावर है। देखो मैं इससे फाइट करवाऊंगा और ये मेरे पोकेमोन को दोबारा से अपनी बॉल में भेज देगा। तो फिलहाल इस पर थोड़ी सी थंडर वेव डाल के देखता हूँ और फिर ट्राई करते हैं इसको कैच करने के लिए। थोड़ा सा पावरफुल लग रहा है वैसे तो मुझे, देखो ये वापस से बॉल में आ गया और अपना दूसरा पोकेमोन आ गया। तो अब की बार इसको कैच करेंगे, इस बार कैच करके फिर निकलेंगे यहाँ से। तो नॉर्मल साइज पे बॉल मारते हैं और अब ये शायद इस बार कैच हो जाना चाहिए। वैसे इसने मेरी 4 से 5 बॉल वेस्ट कर दिए वैसे तो, बट कोई बात नहीं, एक अच्छा पोकेमोन मिल जाए तो अच्छी बात है ना। तो फिलहाल ये भी कैच हो चुका है और रियली में भाई मेरी इस ईवी को पकड़ने के लिए मेरी 3 से 4 दिन की मेहनत लगी है, 30 से 40 घंटे मैंने कंप्यूटर पे लगातार खेला है ना, जब जाके मेरे को ये फर्स्ट मेरी ईवी पकड़ी गई है। और रियली में बहुत ही रेयर कंडीशन में ये स्पॉन हो रहे हैं यार, मैं इसको मिस करने वाला नहीं हूँ। तो अपने वेनुसोर से इसको पहले स्लिप करवाऊँगा और 100% ही इसको पकड़ूंगा क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेहनत के लिए मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो फिलहाल मैं इसको स्लिप क्यों नहीं हो रही भाई, इसको स्लिप करवाते हैं अपने वेनुसोर से, इस पर स्लिप पाउडर मारते हैं और फिर इसको कैप्चर कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं क्योंकि इसको मैं मिस कर दूंगा यार, बहुत मुश्किल से मिली और यहाँ पे 100% चांस है ईवी स्पॉन होने के। तो मेरे को यहीं पे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करूँगा और मेरे को यहीं से ईवी पकड़ने वाला हूँ। और फिलहाल अपने पास एक ईवी तो आ चुकी है, अब और भी ईवी ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट ईवी अपने पकड़ लिया, तो इस बायोम को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे ईवी स्पॉन होती है या नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे ना तो ईवी यहाँ पे स्पॉन हो जाएंगी। तो फिलहाल एक पास में ही एक बायोम और थी ये, तो यहाँ पे भी 100% चांस है ईवी स्पॉन होने के। और ये एक बेफालतू का पोकेमोन मैंने देखा था, तो फिलहाल इससे फाइट करने की मैंने सोची, तो फिलहाल अपनी वेनुसोर की इससे फाइट करवाते हैं। तो इस पे फेदर डांस अपनी देखते हैं कि ये वन शॉट किल होता है या नहीं होता, वैसे तो कोई खास तो है नहीं।
तो इसको फैदर डांस करके इसको किल करते हैं और निकलते हैं और अपनी ईवी ढूंढते हैं। और इस बेसाल्ट बायोम में ही भी 100% चांस है ईवी स्पॉन होने की। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ स्पॉन रेट, देखो 100% यहाँ पे स्पॉन रेट है ईवी की। तो थोड़ा सा यहाँ पे अब मेरे को टाइम स्पेंड करूँगा ना तो यहाँ पे ईवी स्पॉन हो जाएगी, तो थोड़ा सा देखते हैं। तो फिलहाल घंटों की मेहनत के बाद में एक और ईवी स्पॉन हो चुकी है, तो इसको जल्दी से कैप्चर करते हैं। और नाइट भी होने वाली है क्योंकि नाइट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉब्स स्पॉन होते हैं। तो अपने इस ईवी को कैप्चर करते हैं, कैच करके फिर अपन चलते हैं घर पे। और थोड़ी बहुत और ईवी है, मैं जल्दी से ऑफलाइन पकड़ लूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे। और मैं मेन फोकस अपने ईवी भी करने वाला हूँ और पोकेमॉन पर मैं ध्यान ही नहीं दे रहा, उनको ध्यान ही नहीं दूंगा तो मैं क्यों पकड़ूंगा उन्हें। तो फिलहाल जल्दी से स्प्रे स्लिप पाउडर मारते हैं और इसको सुलाकर फिर चलते हैं अपने बेस पर सारी ईवी को पकड़कर। और फाइनली अपनी सेकंड ईवी भी मैंने कैप्चर कर लिया, कैच कर लिया। तो अब मैं सारी ईवी को पकड़ के अभी जल्दी से आपको मिलता हूं। मैं मिलता हूं सीधा ही घर पर अपने बेस पर। और फिलहाल मैं ईवी को पकड़ के अपने बेस पर आ चुका हूं, मैंने 5 ईवी पकड़ी है। तो अब इनको थोड़ा सा स्टोन मारने पड़ेंगे, जो स्टोन आपको माइनिंग में मिल जाएंगे। तो लगभग मेरे पास सारे स्टोन है। तो अपना फर्स्ट स्टोन है अपना थंडर स्टोन। तो इस थंडर स्टोन को इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे ना तो इवॉल्व मांग लेंगी और अपनी कन्वर्ट हो जाएगी थंडर ईवी में। और इनके नाम डिफरेंट डिफरेंट है बट काम जो मैं आपको मेन आपको बता दूंगा। और अपनी सेकंड ईवी है जो साइनी ईवी, तो ये साइनी स्टोन है, साइनी स्टोन मारेंगे तो ये साइनी ईवी में कन्वर्ट हो जाएगा। साइनी ईवी में नहीं हुआ तो फायर स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सभी स्टोन काम नहीं करते हैं, 5 टाइप की ही ईवी इवॉल्व होती हैं और 2 टाइप की ईवी को अपन पकड़ पाते हैं जो रेयर कंडीशन में स्पॉन होती है, अदरवाइज नहीं होंगी। और ये अपनी मतलब अलग अलग होती है, फायर वाली है और ये वाटर वाली है। तो इस वाटर वाली को भी जल्दी से इसको कर देते हैं इवॉल्व। तो ये हो चुकी है वाटर वाली ईवी और अपनी 4th अपनी ईवी को स्पॉन करवाते हैं। और इसको भी अपग्रेड करते हैं, अपनी ये वाला नहीं काम कर रहा है, ये है आइस ईवी। तो मैंने इस पे आइस स्टोन मार दिया और ये कन्वर्ट हो जाएगी अपनी आइस ईवी में। तो ये भी हो गया अपनी लास्ट एंड फाइनल 5वीं ईवी को भी जल्दी से अपने इवॉल्व कर देते हैं। तो अपनी लास्ट ईवी है लीफ स्टोन ईवी। तो ये लीफ स्टोन में मैंने इस पे मार दिया और ये कन्वर्ट हो चुकी है अपनी लास्ट ईवी। तो मैंने 5 ईवी को कन्वर्ट कर दिया है, मतलब इवॉल्व कर लिया है अपने 5 स्टोन इन पे मार कर। और जो 2 ईवी है ना वो बहुत ही रेयर कंडीशन में मिलती है और ये मेरे को 5 ईवी ही कम से कम ही मेरे 4 से 5 दिन खा गए इनको पकड़ने में। और 2 से 3 दिन मैंने एक्स्ट्रा पोकेमॉन पकड़े थे उनके लिए टाइम लगे। और अगर आपको मेरी 7 दिन की मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और नीचे कमेंट करके जरूर जाना है। रियली में ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत तो लगी है इस वीडियो को बनाने में, बट आपको लगेगा कि इजी है, कॉपी है, फलाना है दिखाना, जो भी बोलो बोल सकते हो, बट मेरे को रियली में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो फिलहाल इनको मैं आपको सारी ईवी दिखा देता हूँ। ये तो है 5वीं अपनी थंडर ईवी। तो इन 5 ईवी को देख सकते हो रियली में बहुत अच्छी लग रही हैं और इनको इवॉल्व करने में थोड़ा टाइम तो लगा बट ये पावरफुल है। इनको थोड़ा मैक्स लेवल करेंगे ना तो इनके पास बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली पावर आ जाएंगी। और फिलहाल इस वीडियो को लिए इतना ही रखते हैं, वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय।